श्रोताओं नमस्कार, मैं निशा नैयर आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कोरोना से जंग जनता के संग। श्रोताओं, ये सही है कि इस समय न सिर्फ हमारे प्रदेश में बल्कि देश और विश्व में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही है और इसमें एक हौसला ये तथ्य भी देते हैं कि इस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ये बात एक संदेश हम सभी को दे रही है कि कोरोना की जंग हम जीत कर रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमें इस दौर में अफवाहों से अपने आप को बचाकर चलना है, सतर्क और सजग तो रहना ही है, साथ ही कोरोना से डरना नहीं है। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कोरोना संक्रमण की और इसके उपचार और सुरक्षा की क्या स्थिति है। इसे जानने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक और प्रदेश के स्टेट कोरोना कोविड 19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में मीडिया प्रभारी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी से। डॉक्टर साहब, कोरोना से जंग जनता के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले हमें ये बताइए कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? जी देखिए, प्रदेश को पूर्व में ही इसका अंदाजा हो चुका था कि कोरोना का संक्रमण जो है प्रदेश पूरे देश में फैल रहा है, इसलिए जनवरी के अंत माह से अंत से ही हमारी जो है तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थी। जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही थी, अस्पतालों में उपकरणों की क्या व्यवस्था है आज, और वर्तमान में स्थिति यह है कि हमने जो तैयारियां की हैं वो इस प्रकार है। हमारे पास हमने एक्सक्लूसिव कोविड ट्रीटमेंट सेंटर बना रखे हैं जी, जो रीजनल लेवल पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, और इसके साथ ही साथ हमने आइसोलेशन सेंटर जिन्हें हम कोविड केयर सेंटर की संज्ञा दे सकते हैं, ये भी हमने तैयारी कर रखी है पूरी जी। और न केवल ग्रामीणों को बचाने के लिए बल्कि प्रत्येक पीड़ित को बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं जी। डॉक्टर साहब, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? जी, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमने जो रीजनल सेंटर से भी जो हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, जिनमें रायपुर में 3 सेंटर है जी, एम्स है, माना हॉस्पिटल है, और डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसके अतिरिक्त सरगुजा में है और राजनांदगांव में है, बस्तर में है, रायगढ़ में है और बिलासपुर में, जो पूरी तरह से भी फंक्शनल हो चुके हैं और यहाँ से मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। यहाँ कुल उपलब्ध बिस्तरों की संख्या 1760 है जी। डॉक्टर साहब, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं जी। हाँ, जिला स्तर पर भी हमने जो है हमारे जो शासकीय चिकित्सालय है इसके कस्बे अन्य भवनों को और निजी चिकित्सालयों को चिन्हित करके हमने जो है 22 सेंटर कुल बना रखे हैं जी विभिन्न जिलों में, जिनमें से प्रमुख रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा शंकराचार्य हॉस्पिटल का जी, जो वर्तमान में क्रियाशील हो चुका है, कोरिया में जो है क्रियाशील हो चुका है, और सूरजपुर भी लगभग तैयारी में है कि वहाँ पे पेशेंट रखे जा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये जो बनाए गए हैं कोविड सेंटर, ये अस्पतालों से अन्य अस्पतालों से किस तरह से भिन्न होंगे और यहाँ क्या सुविधाएं होंगी, किस तरह के मरीजों को कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा? जी देखिए, जैसे आप में चर्चा हो रही थी कि जिसको हम कोविड केयर सेंटर कहते हैं जी, ऐसे कोविड केयर सेंटर पूरे राज्य में अभी तक के हमारे द्वारा 7056 जो है वो चिन्हित किए जा चुके हैं जी। और इन सभी अस्पतालों में हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सामान्य लक्षणों वाले जो मरीज हैं इनको हम वहाँ पे रखें। जैसे कि आपने देखा होगा अभी तक हमारे पास जितने भी पेशेंट राज्य में आए हुए हैं वो सभी पेशेंट जो है उनमें से 95% करीब लगभग जो है वो बिना आईसीयू में गए अथवा वेंटिलेटर में गए हुए स्वस्थ होकर वापस जा चुके हैं। तो जिस प्रकार से प्रारंभिक जो हम इसको 3 कैटेगरी में जो बांटते हैं, माइल्ड सिम्टम्स वाले जिनमें हल्के लक्षण पाए जाते हैं जी, ऐसे मरीजों को हम आइसोलेशन सेंटर से कोविड केयर सेंटर में रख सकते हैं, और जो जिला अस्पताल जहाँ पे आईसीयू वगैरह की सुविधा कम है वहाँ भी रख सकते हैं जी। और गंभीर मरीज जो होंगे उनको अभी हमने जो तय किया है उसके मुताबिक एम्स को हमने प्राथमिकता दी है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर को हमने प्राथमिकता दी है, जहाँ पे गंभीर मरीजों को हम शिफ्ट करके उनका उपचार करेंगे। डॉक्टर साहब, वर्तमान में पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कितने बिस्तरों की व्यवस्था है और भविष्य में और कितने बिस्तर तैयार किए जाने की योजना है? जी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार जो है ये हमारे रायपुर में इंडोर स्टेडियम तैयार हो चुका है जो लगभग पूर्णता की ओर है, जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो 230 पेशेंट को हम वहाँ रख सकते हैं, और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उनके लिए प्रत्येक मरीज के लिए पंखे की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा वहाँ पे जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं अतिरिक्त में बाहर में जो है वो बायो टॉयलेट भी बनाए गए हैं जी। और साइंस कॉलेज के स्टेडियम स्थित जो 50 बिस्तर का जो वो अपना हॉस्टल है उसको भी बहुत तेजी के साथ तैयार किया जा रहा है। तो पूरी संभावना को देखते हुए हमारा विभाग पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है कि किसी प्रकार से किसी परेशानी लोगों को ना हो जी। डॉक्टर साहब, प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए क्या रायपुर और राज्य के अन्य शहरों में स्टेडियम या अन्य भवनों को अधिग्रहित किया जा रहा है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में सूचित किया कि आइसोलेशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं राज्य में जी, जो बनाए गए हैं उनमें क्या है, अन्य प्रकार के भवन भी शामिल हैं, निजी चिकित्सालय भी शामिल हैं। जैसे किसी भी धर्मशाला को हम हल्के से उसमें हम रूपांतरित कर सकते हैं जहाँ पे बेसिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जी, उसको हम बड़े आराम के साथ रूपांतरित कर सकते हैं आइसोलेशन केयर सेंटर में अथवा कोविड केयर सेंटर में। इसलिए उसमें बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, तो राज्य पूरी तरह से तैयार जी। डॉक्टर साहब, प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान के लिए सैंपल टेस्ट करने यानी नमूनों की जांच की व्यवस्था कहाँ कहाँ है और जांच की रिपोर्ट आने में आमतौर पर कितना वक्त लगता है? फिलहाल अभी कितनी रिपोर्ट पेंडिंग है? जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रायपुर में एम्स में टेस्टिंग प्रारंभ हुई थी जी, और उसके बाद बहुत तेजी के साथ जो है जगदलपुर सेंटर महारानी जगदलपुर में हमारा कार्य चालू कर दिया गया जी। और उसी क्रम में फिर हमने रायपुर मेडिकल कॉलेज में भी जांच की सुविधा प्रारंभ कर दी है जी, और रायगढ़ में भी जांच की सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त IRL लालपुर जो है वहाँ भी हमने TrueNAT मशीन के माध्यम से जांच सुविधा प्रारंभ कर दी है जी। और TrueNAT मशीन का एक्सटेंशन भी हम कर रहे हैं। कुछ अन्य जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय जहाँ पे हैं वहाँ पे हम इनको शिफ्ट भी कर चुके हैं और बहुत जल्द उसके जो है टेक्निकलिटीज पूरी कर ली जाएंगी और वहाँ भी जांच की सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। इसी क्रम में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ RT-PCR टेस्ट के लिए आवश्यक उपकरण वगैरह का आदेश दिया जा चुका है, लगभग आने की स्थिति में है जी। और मैन पावर को भी चिन्हांकित किया जा चुका है। केवल जो ICMR के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जो रिनोवेशन उसमें करना होता है वो रिनोवेशन काफी अंतिम चरण पे है अभी, तो हम बहुत शीघ्र ही सभी संभाग मुख्यालयों में RT-PCR के टेस्ट भी हम प्रारंभ कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, और अभी की स्थिति में जैसा आपने पूछा जी जी, तो कल की स्थिति में लगभग 4,000 की संख्या में जो है वो पेंडिंग थे जी। मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं जी कि जितनी प्रयोगशालाएं अभी क्रियाशील है ये सभी प्रयोगशालाओं में जो है वो 3 शिफ्टों में काम चल रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी के साथ हमारी जांच की संख्या में वृद्धि हुई है जी जी। डॉक्टर साहब, ये आमतौर पर रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता है? देखिए RT-PCR के टेस्ट में जो है 4 घंटे करीब लग जाते हैं, कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं रिपोर्ट आने में जी। लेकिन जैसा अभी एम्स ने एक दावा किया है उनके पास एक नई सुविधा उपलब्ध हो रही है जिसमें 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो है वो आ जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत तेजी के साथ काम करेंगे। और इसी प्रकार TrueNAT मशीन जो है TrueNAT मशीन में भी 2 से 2.5 घंटे के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी जी। डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमित मरीजों से अस्पताल आने वाले अन्य मरीजों को संक्रमण ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए कोविड जहाँ भी हमने कोविड हॉस्पिटल बनाए हुए हैं वहाँ हमने उसका आने और जाने का पूरा रास्ता अलग रखा हुआ है और उसको शेष भागों में जैसे निकारा में भी आप देखेंगे जी, उसको हमने शेष भाग से बिल्कुल अलग थलग रखा है ताकि सामान्य मरीजों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता न पड़े और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। यही व्यवस्था हर जगह की जा रही है जी। और विशेष करके मैं आपको बता दूं कि जो भी कोविड से संबंधित जितने भी अस्पताल सेंटर बनाए जा रहे हैं जी, यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं की भी पूरी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं और उनकी पूरी सुविधाओं को बरत रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, हमारे कोरोना योद्धा यानी जो चिकित्सक और अन्य मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में दिन रात जुटे हुए हैं, तो उन्हें इस संक्रमण से बचाने के लिए क्या व्यवस्था और दिशा निर्देश हैं? देखिए सबसे पहले तो हमने इसमें जो है हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं चिकित्सक से लेकर के जितने भी स्टाफ है लैब टेक्नीशियन है स्टाफ नर्सेज हैं इन्हें मैं फील्ड वर्कर्स हैं सबके लिए हमने हमारा जो SIHMW है जो राज्य प्रशिक्षण संस्थान है उसके माध्यम से पूरे प्रशिक्षण की व्यवस्था दोबारा प्रशिक्षण लगातार सतत प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है जी, ताकि वो किसी भी प्रकार से संक्रमण से प्रभावित न हो। और थोड़ी बहुत जो हम जो उनको सामग्रियां भी पूरी उपलब्ध करा दी गई है, समय समय पर निर्देश दिया रहे हैं कि सामग्रियों का उपयोग जम से करें जी। तो हमारी तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं जो मैदान पर डटकर मुकाबला कर रहे हैं ये सुरक्षित रहे।
लेकिन कहीं कहीं मानवीय त्रुटियां कहीं हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप जो आपके आदतों में शुमार होता है, तो उसके चलते हमारे कुछ साथी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए हम पुनः प्रशिक्षण की आयोजित करते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे प्रदेश के लोगों से अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी कोई संक्रमण होता है, इस प्रकार का पैंडेमिक जिसे कहते हैं, महामारी जिसे कहते हैं, जो विश्व स्तर की महामारी है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है समाज की। चिकित्सा समुदाय तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन रोकथाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो समाज की होती है, लोगों की होती है। तो यदि वे तीन हमारे जो नियम हमने बताए हुए हैं कि मास्क का उपयोग और उसके साथ ही साथ सामाजिक या भौतिक दूरी और इसके अलावा हैंड वॉश मैंने बार बार हाथ को धोना, यदि ये कड़ाई से इन चीजों का पालन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम जो है काफी सुरक्षित रहेंगे, खुद भी सुरक्षित रहेंगे, हम प्रांत को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। तो यही मेरा बार बार निवेदन रहता है लोगों से कि इन तीनों नियमों का कड़ाई से पालन करें। आप देख रहे होंगे कि लोग जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है थोड़े से बेपरवाह हो गए हैं, शायद वो बीमारी को हल्के पे ले रहे हैं, जिससे तो जल्दी मुक्ति हो जाती है, लेकिन विषम परिस्थितियों में काफी गंभीर स्थितियां हो निर्मित हो सकती हैं। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि हम पूरी तरह से हर व्यक्ति को संदेह से देखते हुए इन तीनों उपायों का प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, प्रदेश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार हो रहा है, जिसके लिए प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ऐसे व्यक्तियों से हम आपकी मुलाकात कोरोना विजेता के रूप में कराते रहे हैं। आज मुंगेली जिले के कोरोना विजेता से बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने। आपका नाम क्या है? जितेंद्र साहू सर। तो आपको जैसे कोरोना पॉजिटिव हुआ तो आपको कैसा लगा? तो उलझन उलझन लग रहा था सर, वहाँ की तो ऐसे ठीक है, और वहाँ से आए हैं तो बढ़िया फ्रेश हो पाए हैं। हाँ, ऐसा कोई बात की दिक्कत नहीं थे, वहाँ हॉस्पिटल भी में बढ़िया थे, डॉक्टर हमारा बढ़िया है, डॉक्टर वो सही कर दिया। अब यहाँ आके हैं तो 14 दिन है क्वारंटाइन रह रहे हैं सर। तो इलाज के दौरान कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया डॉक्टर ने इलाज कर दिया। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को कह रहे हैं कि डरने का कोई बात नहीं है, दूरी बनाकर है, और कोरोना कोई बड़ा बीमारी नहीं है। श्रोताओं, वर्तमान में आत्मनिर्भरता के साथ आजीविका के लिए हर व्यक्ति अपने तरीके से प्रयासरत है, और ये जरूरी भी है कि हम ऐसे कार्यों को अंजाम दें जो हमें आत्मनिर्भर होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी समृद्ध करे। वनवासियों के लिए वनोपज आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसे वे संग्रहित कर आर्थिक रूप से स्वरोजगार की तरह अपना रहे हैं और अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। छुई खदान विकास खंड की प्रेमवती ध्रुवे ने कुछ ऐसे ही किया है जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मिथिलेश देवांगन। राजनांदगांव जिले के छुईकदान ब्लॉक के सरई पतेरा गांव की प्रेमवती ने केंद्र सरकार की लघु वन उपज योजना का शानदार दोहरा लाभ उठाया है। उन्होंने अपनी कमाई से न सिर्फ अपनी आय अर्जित की है, बल्कि उसी कमाई के एक हिस्से से अपने पढ़ाई के लिए एक मोबाइल फोन भी खरीदा है। इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई का दौर चल रहा है, ऐसे में प्रेमवती भी कहीं पीछे ना रह जाए, इस कारण उन्होंने अपनी पहली कमाई के पैसों से मोबाइल फोन खरीदा है। प्रेम भाई ने बताया कि अब वो इस मोबाइल के माध्यम से न केवल अपना शौक पूरा कर रही हैं, बल्कि इसी मोबाइल के माध्यम से कोरोना काल तक आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकेंगी। वे इस मोबाइल से प्रोफेसरों और अपने सहपाठियों के साथ नियमित बातचीत कर अपनी पढ़ाई संबंधी जिज्ञासाओं का शांत कर रही हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को प्रदेश के कोरिया जिले की कुछ महिलाओं ने मशरूम उत्पादन के साथ साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यहां की महिलाओं ने मशरूम का सिर्फ उत्पादन ही नहीं किया, बल्कि इसके लिए बाजार की उपलब्धता कर आर्थिक लाभ भी अर्जित किया है। इस बारे में जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता निहारिका धूरिया। कोरिया जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान भी 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के समूह ने छोटे छोटे स्थानों में मशरूम पर आर्थिक लाभ अर्जित किया है। इस कम लागत के आसान व्यवसाय से जुड़कर महिलाएं घर बैठे पैसे कमा रही हैं। जिले के महिला समूह ने मशरूम का उत्पादन कर करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का व्यवसाय किया है। मशरूम उत्पादन में जिले में अपार संभावनाएं हैं, और इसी को लक्ष्य करके ज्यादा से ज्यादा समूहों को बिहान के माध्यम से इस कार्य में जोड़ने का प्रयास किया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से मशरूम उत्पादन में सबसे पहले इच्छुक दलों का चयन करके उन्हें सेंट्रल बैंक के सहयोगी प्रशिक्षण संस्थान RCET के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। जब वह प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें घरों में या समूह केंद्रों में मार्गदर्शन देकर मशरूम उत्पादन कराया जाता है। ये एक ऐसा उत्पाद है जो पौष्टिक आहार की श्रेणी में आता है और सामान्य बाजारों में इसकी पर्याप्त बिक्री हो जाती है। महिलाओं के समूह इसके उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इसके और ज्यादा विस्तार की कार्य योजना भी तैयार है। खुले बाजार और कोरिया मशरूम केंद्र में इसके उत्पाद बेचे जा रहे हैं ताकि ताजे मशरूम न बिकने की स्थिति में कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सुखाकर बाहर बेचने के लिए भेजने की व्यवस्था भी की गई है। श्रोताओं, प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के आगमन के साथ ही दो महत्वपूर्ण बातों पर प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। इसमें प्रमुख तौर पर इन श्रमिकों को प्रदेश में ही कार्य उपलब्ध कराना और इनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला देकर इन्हें शिक्षा से जोड़े रखना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार को हमारे संवाददाता रवि शुक्ला ने बताया। लॉकडाउन के चलते अपने राज्य वापस लौटकर आने वाले प्रवासी श्रमिकों के बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। इसके लिए जिले में 365 क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 1,891 बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के बच्चों की नियमित शिक्षा की व्यवस्था के लिए उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिलाने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर श्री सारांश मित्तर के निर्देश पर शिक्षा विभाग एवं ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक 365 क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए स्कूल जाने योग्य बच्चों की सूची बना ली गई है। चिन्हांकित बच्चों में 996 बालक और 895 बालिकाएं शामिल हैं। आंगनबाड़ी जाने योग्य 485 बच्चे कक्षा पहली के लिए, 381 बच्चे कक्षा दूसरी के लिए, 211 तीसरी कक्षा के लिए, 180 चौथी कक्षा के लिए, 139 पांचवी कक्षा के लिए, 107 छठवीं कक्षा के लिए, 108 सातवीं कक्षा के लिए, 65 आठवीं कक्षा के लिए, 61 नौवीं कक्षा के लिए, 76 दसवीं कक्षा के लिए, 46 ग्यारहवीं कक्षा के लिए, 26 और 12वीं कक्षा के लिए 6 बच्चे चिन्हांकित किए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे बच्चों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एकत्रित की जा रही है, जिसमें इस प्रपत्र में बच्चे का नाम, आयु, जन्म तिथि, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, कहां से छत्तीसगढ़ वापस आए हैं, निवास स्थान का पूरा पता, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत विकास खंड, जिला एवं शहरी क्षेत्र के लिए मकान नंबर, मोहल्ला, वार्ड, शहर, जिला, बच्चा कितने वर्ष का है, किस कक्षा में पढ़ता है, इस वर्ष किस कक्षा में प्रवेश लेना है, यह जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा बच्चे के माता पिता छत्तीसगढ़ में रहेंगे अथवा काम के लिए बाहर जाएंगे, बच्चा छत्तीसगढ़ में रहेगा अथवा माता पिता के साथ बाहर जाएगा, यह जानकारी भी प्रपत्र में प्रवासी श्रमिकों का क्वारंटाइन सेंटर छोड़ने से पूर्व एकत्रित की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस जानकारी की ऑनलाइन एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे सभी बच्चों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे कोई भी बच्चा स्कूल में प्रवेश से वंचित ना रहे। श्रोताओं, अगर कुछ कर गुजरने का हौसला और हिम्मत हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, और ऐसे हिम्मती लोग ही दिव्यांगता को भी मात देने में सफल रहते हैं। कोरबा जनपद के ग्राम चकाबूड़ा की फूलबाई ने अपनी कार्यशैली से प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। दिव्यांग होने के बावजूद फूलबाई ने महिला बैंक सखी के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर एक मिसाल पेश की है। क्या है पूरी कहानी, इस बारे में आकाशवाणी समाचार को बताया फूलबाई ने। मेरा नाम फूलबाई कश्यप है, मैं एक दिव्यांग महिला हूँ। मेरा ग्राम पंचायत का नाम चकाबूड़ा है, मेरा क्लस्टर का नाम विजय विकास महिला संगठन अर्दा है, मेरा जनपद पंचायत कड़घोरा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। समूह में सबसे पहले मैं सक्रिय महिला के द्वारा जुड़ी हूँ, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक सखी के रूप में मैं काम कर रही हूँ। बैंक सखी का काम सबसे शुरू की हूँ 9/8/2019 में। कंप्यूटर ट्रेनिंग RCET कोरबा में 1 माह का ट्रेनिंग की हूँ, जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी मेरे को दिया गया है वहाँ से। फिर उसके बाद IIBF का एग्जाम बिलासपुर जाकर दिलाई हूँ, और उसमें भी मैं IIBF में भी पास हो चुकी हूँ।
और उसके बाद फिर मैं आकर अपना काम शुरू बैंक सखे काम शुरू की हूँ, और उसमें मैं पेंशन पैसा, मनरेगा पैसा, किसान पेंशन पैसा, अन्य जो भी पैसा है सभी का लेन देन करती हूँ, और ग्रामीण बैंक का खाता भी खोलती हूँ। जो बुजुर्ग व्यक्ति है जो आने जाने में असमर्थ है उसके घर में मैं जाकर पेंशन पैसा वितरण करती हूँ और मनरेगा पैसा भी देती हूँ। भी वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार COVID-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क का उपयोग, साबुन का उपयोग कर रही हूँ, जो मेरे द्वारा लोगों का जागरूक किया जा रहा है। अभी मनरेगा कार्यस्थल में जाकर मनरेगा भुगतान कर रही हूँ। अभी तक मेरे द्वारा किया गया लगभग ट्रांजेक्शन 1,700 और अमाउंट है 18,30,500 रुपए का लेन देन किया हूँ। श्रोता, कोरिया वन मंडल के उमझर को प्रदेश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता संग्रहण क्षेत्र माना जाता है। हरे सोने के नाम से तेंदुपत्ता की इस बार भी रिकॉर्ड खरीदी हुई है। साथ ही प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता दर में भी बढ़ोतरी की है, जिससे संग्राहकों में खुशी और उत्साह बढ़ गया है। इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने कुछ अधिकारियों से बातचीत की है। आप हैं DFO कोरिया मंडल श्री राजेश चंदेले। 30,400 का हमारा बोरा का टारगेट है और इसका जो संग्राहकों को जो मिलने वाली जो राशि है वो लगभग 13,36,00,000 रुपए का राशि होता है, जो संग्राहकों को संग्रहण राशि के रूप में मिलता है। अभी तक का जो संग्रहण हुआ है 10,319 मानक बोरा का, उसमें उनका जो भुगतान अभी तक 4,12,00,000 का हो गया है। इस प्रकार जो मेजर आय जो है ग्रामीणों का वो तेंदुपत्ता सीजन में होता है और ग्रामीणों को ये आय अर्जन हो रहा है। इसमें लगभग 33,533 संग्राहक परिवार हैं जिनको तेंदुपत्ता संग्रहण से लाभ हो रहा है। अभी लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हुई है और तेंदुपत्ता अभी आ रहा है और उसकी गुणवत्ता भी अभी अच्छा है, इसलिए इसको अभी कंटिन्यू किए हैं और ये चलेगा। प्रबंधक श्री किशोर मेहता ने बताया कि तेंदुपत्ता जो है 14 तारीख से हमने शुरू कर दिया है और हमारा टारगेट भी, पत्ते भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और टारगेट हमारा लगभग कंप्लीट के और कदम पे है और शासन के तरफ से 400 रुपया प्रति सैकड़ा तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रदाय किया जा रहा है और सरकार की बहुत सारी योजना है जिसका लाभ हम लोगों के द्वारा संग्राहकों को दिया जाता है। तेंदुपत्ता जो है बिकता है और उसकी आय से 80% जो है संग्राहकों को बोनस के रूप में दिया जाता है। इसके बाद जीवन बीमा योजना है, चरण पादुका प्रदाय किया जाता है और छात्रवृत्ति है। प्रतिभाशाली जो संग्राहक है जिनके बच्चे 75% से ऊपर लाते हैं 10वीं और 12वीं में, उन्हें प्रत्येक छात्रों को या छात्रा को 10वीं जो पास किया है उसको 15,000 और 12वीं जो पास किया है उसको 25,000 प्रदाय किया जाता है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल पत्ते की क्वालिटी भी हमारे यहाँ तो अच्छी आई है और अच्छी आ रही है और मेरे को लग रहा है कि हमारा टारगेट सुपर जाएगा। श्रोताओं, महासमुंद जिले में इन दिनों COVID-19 की जंग में जहां एक तरफ स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा विभाग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, इसी कड़ी में गर्भवती माताओं के लिए तहसील मुख्यालय सरायपाली और बसना में अलग से क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है। वहीं इसी जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आमजनों को आसानी से उपलब्ध कराने सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। इस बारे में हमारे संवाददाता आनंद राम साहू ने आकाशवाणी समाचार को बताया। महासमुंद जिले में गर्भवती माताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पिथौरा, बागबाहरा, बसना और सरईपाली में विशेष क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां गर्भवती माताओं को 24 घंटे चिकित्सकों की निगरानी में रखा जा रहा है। इन सेंटरों में डॉक्टरों के अलावा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 24 घंटे सेवा देने तैनात किया गया है। ये समय समय पर गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच करती हैं। इस समय बागबाहरा और पिथौरा के क्वारंटाइन सेंटर में 11-11 गर्भवती माताएं रह रही हैं। बसना के शिशु मंदिर में बनाए गए विशेष क्वारंटाइन सेंटर में 8 और सरईपाली क्वारंटाइन सेंटर में 23 माताओं को रखा गया है। महासमुंद जिले में कुल 53 गर्भवती माताओं को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उनकी सेहत की देखभाल, समय समय पर भोजन और दवाएं दी जा रही है। घर जैसा माहौल देने के साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। रैपिड किट से सैंपल जांच के बाद आवश्यकता अनुसार
उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और काढ़े आदि भी दी जा रही है। इन सेंटरों में रह रही गर्भवती माताएं प्रवासी श्रमिक हैं, जिन्हें संतुलित आहार के साथ साथ साफ पानी देने का इंतजाम किया गया है। जन सहयोग से कूलर का इंतजाम भी इन सेंटरों में किया गया है। कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी के दौर में हैंड सैनिटाइजर जहां संक्रमण रोकने में सहायक है, वहीं महासमुंद जिले की 4 महिला स्व सहायता समूहों ने 6000 लीटर सैनिटाइजर बनाकर 54,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। लॉकडाउन के इस समय में जब रोजगार के अवसर नहीं थे, तब छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को रोजगार देने में कारगर साबित हुआ। महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल और जिला पंचायत सीओ डॉक्टर रवि मित्तल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की मदद से 600 लीटर सैनिटाइजर बनाकर जिले के महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरईपाली इन 5 विकास खंडों के स्वास्थ्य केंद्रों में आपूर्ति की गई। शहर के नजदीक के गांव खैरा और पतेरा पाली की महिलाएं सैनिटाइजर बनाना एक नया अनुभव बताती हैं। आबकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से यह नया प्रयोग महिलाएं कर रही हैं। प्रति बोतल 18 रुपये लाभ होने से महिलाएं उत्साहित हैं और आवश्यकता अनुसार मांग के अनुरूप सैनिटाइजर बनाने उत्सुक भी हैं। सैनिटाइजर बनाने 4 महिला समूहों की 45 महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। श्रोताओं, आज की कड़ी से चलते चलते एक संदेश हमारे अंचल की प्रसिद्ध ढोला मारू गायिका रजनी रजक से। संगवारी हो, आज देश में कोरोना संक्रमण की हाहाकार मची है। ऐसन विपदा की घड़ी में मैं केवल अति कही हूँ, आओ संगी देश ला बचाबुन, आओ संगी देश ला बचाबुन, आओ संगी देश ला बचाबुन रे, कोरोना ला जड़ से मिटाबुन, कोरोना ला देश ले भगाबुन, कोरोना ला जड़ से मिटाबुन। अविला जड़ से मिटाए बर केवल अटकीच करना है, हमला घर में रहना है, तभी तो कही था कोरोना बाचे के उपाय, एके उपाय एके उपाय, कोरोना बाचे के उपाय, एके उपाय एके उपाय, घर के अंदर रह के संगी जीव बचाओ, प्राण बचाओ, देश बचाओ, ये कोरोना ले, ये कोरोना ला जी मिलके हराओ, लड़के भगाओ कोरोना ला, ये कोरोना ला जी मिलके भगाओ, लड़के हराओ कोरोना ला। श्रोताओं, आज का सफर यहीं तक, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोरोना से जंग इस समय बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, जहां हमें अधिक सतर्क और सजग रहने के साथ साथ घरों में ही रहना है और अफवाहों से बचते हुए सही और सटीक जानकारी के लिए सुनते रहना है आकाशवाणी। साथ ही श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी रेडियो के अलावा आप मोबाइल से भी जोड़ सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शुक्रवार 19 जून को इसी समय सुबह 10:30 पर आपसे फिर भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।